नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें एनडीए गठबंधन में शामिल हुए सपा अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और साइकिल की सवारी छोड़ कमल का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये कयास तब लगाया जा रहा है जब शनिवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सपा के एनडीए में शामिल होने के साथ ही राजभर का प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति दारा सिंह चौहान को लेकर भी थी, मगर घोसी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दारा के राजनैतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाकर योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। एक तरफ जहां कुछ मौजूदा मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल होना लगभग तय है। दारा सिंह को एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं, ऐसे में फेरबदल से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि राजभर और दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन आगरा में धूमधाम से मनाया गया, साथ ही भाजपाइयों ने तमाम आयोजन किए हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपाइयों और हिंदू संगठन के लोगों ने मंदिरों में हवन पूजन किया। शमसाबाद चेयरमैन ओमकरण अवनीश गुप्ता सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़े के रूप में सफाई के साथ ही हवन पूजन किया। दाऊजी मंदिर में सुबह पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए हवन के साथ पूजा पाठ भी किया गया। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना गोविंद नगर के चंद कदमों की दूरी मसानी पेट्रोल पंप के ठीक सामने मुकुंद विहार के अंदर दिन दहाड़े चल रहा है मिट्टी खनन का अवैध कारोबार। आप वीडियोस में साफ देख सकते हैं कि महावली के द्वारा खुदाई करते हुए वहां पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रोलियां भी एक के बाद एक बराबर मिट्टी से भरी जा रही हैं। खनन माफिया को शासन और पुलिस प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं रहा है। अग्रसेन चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मियों द्वारा भी उनको नहीं रोका जा रहा है, जिससे चौराहे पर जाम की स्थिति बराबर तो बनी हुई है, साथ ही साथ खनन अधिकारी भी शुतुरमुर्ग की तरह नींद में सोए हुए हैं। मथुरा जिला अधिकारी को ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से खनन माफियाओं पर संज्ञान लेकर कारण उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्रीय जनता की अगर माने तो लोगों का भी यही कहना है कि थाना गोविंद नगर मसानी चौकी को मुकुंद विहार मालिक के द्वारा एक अच्छी मोटी रकम दे दी गई है, इसलिए वह दिन दहाड़े इस कार्य को अंजाम दे पा रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ में एक लुटेरे मनीष के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया है। साथ ही इस दौरान दो लुटेरे भागने में सफल हो गए हैं। पकड़े गए लुटेरे के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, 23,000 की नकदी और एक बाइक बरामद की गई है। वहीं फरार लुटेरों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बता दें कि आरोपियों ने हाल ही में भारत फाइनेंस कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यह पूरा मामला आगरा थाना अक्षनेरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज दिनांक 16/9/2023 को अक्षनेरा पुलिस को कुछ दिन पहले भरतपुर अक्षनेरा रोड पर भारत फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट की अद्भुत घटना के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर एसओजी टीम के साथ चेकिंग के दौरान अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पर जान लेने के निर्देश से फायर किया गया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो एक अभियुक्त के बाएं पैर में लगी है। दो अभियुक्त फरार हो गए हैं, जिनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। घायल अभियुक्त की पहचान मनीष के रूप में की गई है। घटनास्थल से एक तमंचा, 315 बोर, दो खोखा और 23,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आगे की विधि कार्रवाई की। आगरा में किसान पर जंगली जानवर तेंदुआ ने हमला बोल दिया है, जिससे बुजुर्ग किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। गाय को बचाते समय तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। वहीं आवाज सुनकर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से लेकर तेंदुआ को किसी तरह खदेड़ दिया और साथ ही परिजनों ने घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अब इस मामले के सामने आने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि ये पूरा मामला पिनाहट क्षेत्र के गांव महगोली का बताया जा रहा है।
वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव ने सीएचसी केंद्र पीनाहट का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही इस दौरान स्वास्थ्य सेवा, डिलीवरी रूम, ओपीडी विभाग आदि का भी निरीक्षण किया गया है। परिसर में इमरजेंसी सेवा और आयुष्मान कैंप में मौके पर स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं मिले, जिस पर अरुण श्रीवास्तव ने नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार लगाई है। वही कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थित मिले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही है। इस दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला पीनाहट कस्बा के सीएचसी केंद्र का बताया जा रहा है। आगरा में पर्यटन पुलिस ने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पर्यटन पुलिस ने एसीपी ताज सुरक्षा के नेतृत्व में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल, आगरा किला पर लपकों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि आगरा पर्यटन पुलिस ने लपकों के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 17 लपकों को एक साथ पकड़कर बड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही पर्यटन पुलिस की लपकों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं पर्यटन पुलिस की कार्रवाई से लपकों में हड़कंप मच गया है। नए पर्यटक सीजन में आगरा पुलिस ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट चला रही है। इसके तहत लपकों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हमने आगरा कैंट स्टेशन पर अभियान चलाया। पर्यटन पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लपके वहाँ से पकड़े और अभी अभियान जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि लपकों से मुक्त किया जाए इस क्षेत्र। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।